31 अक्टूबर को देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि लौह पुरुष की जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सीबीआई ने 22 करोड़ रुपए मूल्य के तंबुओं की खरीद में कथित अनियमितताओं के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय के अज्ञात अधिकारियों, रॉ की विशेष इकाई और निजी उद्योगपतियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक मामला दर्ज किया। बंगलुरु में बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार का एक और मामला सामने आया है। शहर के एक निजी स्कूल में 3 साल की एक बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न की बात सामने आई है। घटना की निंदा करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ललिता कुमार मंगलम ने कहा कि स्कूल प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने केंद्र सरकार को काले धन में शामिल लोगों के नामों को उजागर करने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास छिपाने को कुछ भी नहीं है। माकपा के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी ने कहा है कि काले धन के मामले पर भाजपा पिछली यूपीए सरकार की तरह ही रवैया अपना रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि सरकार इस पर एक श्वेत पत्र जारी करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट से दीपावली पर शुभकामनाएं देने के लिए बने अपने विशेष वेबसाइट पेज को साझा किया। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर अपने संदेश में लिखा है कि कई मित्र दीपावली की शुभकामनाएं भेज रहे हैं, आप सभी को धन्यवाद। शेयर बाजार बढ़त के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 211 अंक से अधिक चढ़कर 26,787 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 68 अंक बढ़कर 7,996 अंक पर बंद हुआ। भारतीय खेल प्राधिकरण और हॉकी टीम के कोच टेरी वॉल्स के बीच चल रहा विवाद सुलझ गया है। वॉल्स ने आज भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों पक्षों ने कहा कि तमाम मुद्दे सुलझ गए हैं और वॉल्स हॉकी टीम के कोच के पद पर बने रहेंगे। आईबा की कार्यकारी समिति ने मुक्केबाज एल सरिता देवी को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है। हाल ही में एशियाई खेलों के दौरान सरिता देवी ने पोडियम पर कांस्य पदक ग्रहण करने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते उन पर ये कार्रवाई की गई है।